ओके तो इस वीडियो में शुरू करते हैं हम लोग आपके साथ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की वो क्या होती हैं और इनको समझना सच में बहुत जरूरी है। दबा के क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसमें अगर जो आपके सामने भी देखो सारी स्क्रीन पे आ रही है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो इंस्टीट्यूट ने बहुत बार पूछी है। सबसे पहला जो अति इंपॉर्टेंट है वो है एंटिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी और कंजर्वेटिज्म, अति इम्पॉर्टेंट, अति, ठीक है। और बस सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कंजर्वेटिज्म का क्वेश्चन तो आप समझ लो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे बट वो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ही आपके सारे चैप्टर की रिविजन करा दूँ, एक बार मेरी ये लाइबिलिटी एंड हो जाए, उसके बाद हम बैक टू बैक ना बैठ करके सिर्फ यही काम करना है हमको कि फटाफट फटाफट रिविजन लगाते जाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे बैठ के, ठीक है। ओके तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाऊं? नहीं, सबसे पहले गोइंग कंसर्न पढ़ते हैं, लाइन वाइज पढ़ेंगे आपको, बिल्कुल लाइन वाइज। गोइंग कंसर्न के नीचे ना ऐसे एक डायग्राम बना लो एक से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जो बिजनेस है ना वो एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, आप ये अज्यूम करके चलो। आप स्टार्टिंग से मत मानो कि आपका बिजनेस कल या थोड़े दिन में कुछ लॉस होंगे तो वो बंद हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। ये एक एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, आप रहो या ना रहो बिजनेस चलता रहेगा, आप रहो या ना रहो बिजनेस चलता रहेगा। बोलो राधे राधे। कैसे? अगर बिजनेस एंडलेस है, अगर बिजनेस एंडलेस है तो हमको ना ये समझ में आ जाएगा कि ये एसेट एक पर्टिकुलर जो एसेट है वो लंबे टाइम के लिए चलेगा या छोटे टाइम के लिए चलेगा, वो लंबे टाइम के लिए चलेगा या छोटे टाइम के लिए चलेगा। तो इससे हम क्या कर पाएंगे, हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा एसेट हमारा लॉन्ग टर्म है और कौन सा एसेट हमारा शॉर्ट टर्म है, कौन सा एसेट हमारा लॉन्ग टर्म है। और सेम चीज हम किस पे लगा सकते हैं, लायबिलिटीज पर भी लगा सकते हैं। अगर जो हमें पता लग जाएगा कि ये लायबिलिटी हमें बहुत लंबे टाइम में रिपे ऑफ करनी है, ये जल्दी पे ऑफ करनी है, तो हम बता देंगे कि कौन सी हमारी करंट लायबिलिटी है कौन सी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं आपसे हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन उठाते हैं, ये डेफिनेटली पढ़ी रखा होगा। डेप्रिसिएशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पता है आपको डेप्रिसिएशन निकालने के, तो एक मोटा मोटा उठाते हैं SLM और WDV। मुझे जरा ये बताओ कि आपको फॉर्मूले दोनों के पता है, मैं आपके पास आ गया CA साहब एक बात बताओ, आप CA हो, कि मुझे कौन सा मेथड लगाऊं, आप बताओ मैं कौन सा मेथड लगाऊं। अच्छा एक बात और, चलो मान लो मैंने फर्स्ट ईयर में ना SLM लगा लिया, अगले साल मैंने कैलकुलेट करा तो मेरा WDM से कम प्रॉफिट आ रहा है, अगले साल मेरा WDM से कम प्रॉफिट आ रहा है, तो एक काम करते हैं ना, इस साल WDM लगाते हैं, कम प्रॉफिट यानी कि कम इनकम टैक्स यानी कि ज़्यादा बचत, तो मैं WDM लगाता हूँ। फिर उसके अगले साल मेरा किसी नए मेथड से और कम आ रहा है तो मैं वो लगाता हूँ फिर, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि एक कंपैरिजन नहीं आ पाएगा, एक कंपैरिजन नहीं आ पाएगा, दो अलग अलग लेवल के लोगों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से जब बैलेंस शीट के अंदर कैलकुलेट करने के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले यूज हुए हैं तो उन दो बैलेंस शीट को वो कंपेरेबल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और ये हौचपोच ना मचे, लोग अपनी मनमानियां ना करें, गवर्नमेंट ये रूल लेकर के आई कि वो उन्होंने डाला कि कंसिस्टेंसी आप रखोगे। आपने एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया वो हमेशा के लिए कर लिया, अनलेस एंड अंटिल कुछ बातें होनी चाहिए, वो वैसे तो क्वेश्चन के अंदर भी अच्छे से करवाऊंगा। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जो नया मेथड आप लगा रहे हो वो बैलेंस शीट को और अच्छा इम्प्रूव करे, या फिर नया मेथड लगाना अब एक कंपल्शन हो गया है, नया मेथड लगाना अब एक कंपल्शन हो गया है। आप सुनो ज्ञान की बात, आपके पेपर के लिए ज़रूरी नहीं है वैसे तो, जैसे कि आपने वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए रेलिवेंट नहीं है CPT के लिए, बट स्टिल क्योंकि जो हायर लेवल के हम लोग हैं हमें तो याद करवाए जाते हैं अच्छे से। AS2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि आप सिर्फ FIFO मेथड यूज करोगे या फिर आप वेटेड एवरेज यूज करोगे, ठीक है। अब एक एंटिटी का एग्जांपल लेते हैं, जब ये AS एप्लीकेबल नहीं हुआ था 1991 से पहले, ठीक है, जब AS नहीं लगा था, तो मान लो हमारे मिश्रा जी अपनी फैक्ट्री में इन्वेंट्री को LIFO से वैल्यू कर रहे थे,
एक दिन ये लॉ पास हो गया और लॉ ने कहा कि सिर्फ फीफो, तो अब इनको चेंज करना पड़ रहा है। अब इनको जब चेंज करना पड़ रहा है ना, तो ये लॉ के कारण चेंज करना पड़ रहा है, अलाउड है। कंसिस्टेंसी आप ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन वैसे आप नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे ना मैंने पूरा स्पेस छोड़ रखा है आप लोगों के लिए, आपको मेरे समझ यहाँ से बोलने से जो भी समझ में आता है ना, रिलेवेंट बातें उतार लो, क्योंकि ये सिर्फ समझाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ओके, अक्रूवल क्या होता है? अक्रूवल होता है जिस साल का खर्चा उसे उसी साल में लगाओ, जिस साल का खर्चा उसे उसी साल में लगाओ। बहुत अच्छे से समझाता हूँ, मुझे बस अपनी ज़िंदगी के 10 या 15 मिनट दे दो, बस ज़्यादा नहीं मांगूंगा। बेहद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं। मान लो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मेरी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू का एग्जांपल लिया। ये दोनों ही मेरे पास ₹1,000 पर मंथ की सैलरी पे काम करते हैं। कहाँ से लाओगे आज के टाइम में इतने सस्ते एम्प्लॉयज़? कोई बात नहीं, हमने ढूंढ रखे हैं भाई, ठीक है? ओके, इनको मुझे 12 महीने की तनख्वाह देनी है ऑब्वियसली। तो हुआ क्या कि कंपनी में थोड़े क्राइसिस थे, पैसे की कमी थी, तो एक मेरे दिल के ज़्यादा करीब था, तो मैंने उसको तो 12,000 पे कर दिए 12 महीने के। इससे मेरी थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो मैंने इसको कहा कि तू चल 10,000 अभी पकड़, 2,000 रुपये अगले साल लियो, क्योंकि अभी है नहीं, नेक्स्ट अकाउंट नेक्स्ट पीरियड में ले लियो। अब देखा जाए तो ये सैलरी और ये भी सैलरी, ये दोनों सैलरी हैं। सैलरी अकाउंट में कितने रुपए जा रहे हैं? 22,000 रुपीज़ जा रहे हैं, दिमाग लगाओ। सैलरी का अकाउंट में कितने रुपए जा रहे हैं? 22,000 रुपीज़ जा रहे हैं। अगर हो सके ना, कुछ बातें ऊपर से जा रही हैं, तो ये वाली वीडियो जो मैं अब बना रहा हूँ, ये एक बार सारी सब्जेक्ट रिविजन के बाद देख लेना, या अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। सैलरी में कितने रुपए जा रहे हैं? 22,000 रुपए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जाने कितने चाहिए थे? 24,000। तो ये जो 2,000 रुपए कम गए इस बार, जो इस साल 2,000 रुपए कम गए, क्या ये 2,000 मेरा प्रॉफिट नहीं बढ़ा देंगे? अपने आप ये मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नहीं दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे बढ़ा हुआ? कि आपने 2,000 रुपए ही कम पेमेंट करी, इसलिए 2,000 का प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा। इसी कारण ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो इस साल का खर्चा है उसे इस साल दिखाओ। और अब एक बात सोचो, जब नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट पीरियड में जब मुझे इसको 12,000 रुपए की पेमेंट दोबारा करनी है, नेक्स्ट पीरियड में मुझे इसको 12,000 रुपए दोबारा पे करने हैं, पुराने के 2 दूंगा 14,000 रुपए पे करूंगा, तो अगले पीरियड के ऊपर 2,000 का फालतू लफड़ा नहीं पड़ गया? 2,000 रुपये फालतू नहीं, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बर्डन के कारण अगले साल का प्रॉफिट 2,000 रुपये जबरदस्ती कम नहीं हो गया, ठीक है? तो ये कहता है कि आप एक काम करो ना, आप पे पैसे नहीं है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, एक मिनट मैं थोड़ा जो अनवांटेड एरिया उसको हटा देता हूँ ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। ये हो सकता है यहाँ पे आके ना थोड़ा सा तुम लग रहा है कि अरे ये तो हमारे लेवल का नहीं है, कन्फ्यूज हो रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? एक मिनट, तो ये क्या कहता है, ये वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एक काम करो, आप पे पैसे नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, आप सिंपली अपनी बैलेंस शीट में जाओ, वहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी और लाइबिलिटी में 2,000 रुपये ऐड कर दो, लाइबिलिटी साइड 2,000 रुपये ऐड कर दो। आपने अपना 2,000 रुपये का खर्चा बुक कर दिया, जिसमें कि उसे एक्चुअली में किया भी नहीं, इससे हुआ क्या कि प्रॉफिट पे ना तो इम्पैक्ट पड़ा ना कोई दिक्कत आई, शाबाश, दैट्स इट। तो जितने भी आप आउटस्टैंडिंग वगैरह बनाते हो ना, या प्रीपेड बनाते हो, वो इसी कारण बनाते हो, ठीक है? मैं बिल्कुल जिस्ट में जाके समझाया, आई होप कि ये तो क्लैरिटी होगी। अगर दिक्कत आई है, वीडियो कॉल का सब पीछे करो, उसी वाले सेक्शन पे जाओ और वो चार्ट बना लेना, ताकि कभी भी जब कंसिस्टेंसी अप्रूवल आए ना पूछे पेपर में, तो आपको ये चीज़ एकदम याद आएगी। चलो, एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरे साथ साथ बोलो, बिजनेसमैन अलग, एंटिटी अलग। ऐसे करो, बिजनेसमैन अलग, एंटिटी अलग। हम बिजनेसमैन को अलग ट्रीट करेंगे, एंटिटी को अलग ट्रीट करेंगे। देखो, ये बिजनेस बहुत घटिया ड्राइंग है मेरी, बहुत ही घटिया। और ये मैन, मतलब जिस बंदे का बिजनेस है वो बिजनेस मैन। मुझे आज आप एक सवाल का जवाब दो आज, क्योंकि मैं इसको ये समझाने वाला हूँ आपको।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे क्यों लगाते हैं? ये तो पैसा मैंने डाला है बिजनेस के अंदर, फिर आप उसे लाइबिलिटी साइड पे क्यों डाल रहे हो? कभी सोचा? कभी नहीं सोच पाए, बताता हूँ क्यों डालते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप बिजनेस को अलग ट्रीट करोगे, एक अलग इंसान, और उसको जो उसका ओनर है उसे अलग मानोगे। तो अब मान लो ये बिजनेस भी एक इंसान है, मान लो बिजनेस भी एक इंसान है, ये बंदा यहाँ आके इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, ये बंदा यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो ये उधार है ना, बिजनेस के लिए तो ये उधार है ना, अपनी जब वो कैपिटल वहाँ पे लगा रहा है इनिशियली, तो बिजनेस के लिए वो उधार है, तो उसे लाइबिलिटी साइड पे डाल देता है। ठीक है, अब इसी तरह प्रकार से ये बंदा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, मतलब अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन जाता है। बस ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, इसके क्वेश्चन से क्लियरिटी दूंगा बहुत अच्छे तरीके से कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे केसेस बने, तो वो सारे केसेस भी आपसे डिस्कस करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लो, रुपीज टू डॉलर, डॉलर टू रुपीज। आप हमेशा अपनी बैलेंस शीट्स को ना, या अकाउंट्स को हमेशा अपनी होम करेंसी में बनाओगे, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन जो आपने करा है। अगर आप एक इंडियन कंपनी है, नो मैटर्स आप यूरोपियन, मतलब आप यूएस डॉलर, यूरोपियन डॉलर या किसी भी करेंसी के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप बस उसे कन्वर्ट करेंगे और ट्रांजेक्शन को मनी के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप इन काइंड ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो आपने सामान देखा, आपको बदले में ये फोन मिल गया, ठीक है, आप इस फोन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है 15,000-14,000, वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। ये मत लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मोबाइल रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 4, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ओके। पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपनी एंटिटी की लाइफ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट्स में क्यों करें, ताकि कंपेयर कर सके हम बाद में। कंपेयर करने से क्या होगा, देखो कंपैरिजन इसलिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना इसलिए जरूरी है ताकि कंपैरिजन जो कर रहे हैं हम आगे जाके वो फेयर हो। ऐसा नहीं करना आपको कि कभी बैलेंस शीट 3 साल की इकट्ठी बना दी, कभी 2 साल की इकट्ठी बना दी। अब ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि लोग जो गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूट है हमारा ICAI, उन्होंने लोगों को समझाना है, लोगों को एग्जैक्टली चीज़ें हिट करानी है कि भाई आपको ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रोसीजर्स नहीं होते, ये प्रोसीजर नहीं होते, भाई मेरा सी अवेलेबल नहीं है, अच्छा भाई अगले साल बना देंगे बैलेंस शीट, क्या दिक्कत है, यही होता। लेकिन अब इनके चक्कर में आपको हर साल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अक्रूअल मैंने आपको समझा दिया, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस साल के रेवेन्यू से उसी साल से मिला दो, दैट्स इट, जिस साल के खर्चे उसे उसी साल से मिला दो। अगर आपका कोई रेवेन्यू 2018 का है, तो उसके अगेंस्ट आप जो भी चार्ज करोगे वो 2018 के ही एक्सपेंस होने चाहिए, 2017 के नहीं, 2019 के नहीं, दैट्स इट। चलो, गोइंग कंसर्न आपका हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट होता है, आप उसे अपने हमेशा अपनी कॉस्ट पे वैल्यू करो, चीज़ों को अपनी कॉस्ट पे वैल्यू करो, लाइक दैट। एग्जांपल, मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल की कीमत है 14,000 रुपये, अब इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह लग के इसकी कीमत 4,000 रुपये भी नहीं बची है, 1.5 साल हो गया, फ़ोन पे जल्दी लगता है। तो मान लो मुझे ये पता लगा मार्केट में ये 14,000 रुपये का फ़ोन है ना, ये मार्केट में 20,000 रुपये का बिकने लग गया, तो क्या मैं इसको मेरी बुक में जो इसकी एसेट साइड एंट्री हो रही है मोबाइल फ़ोन, वहाँ 14,000 काट के 20,000 लिख दूँ बिना बेचे, बिना बेचे? क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ गई ना उसकी। बस यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जब तक आपका एसेट बिक ना जाए ना, उससे पहले तक आप हमेशा उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। कंजर्वेटिज्म कहता है अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको रिकॉग्नाइज करो, और अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉफिट होगा, अगर आपका लॉस होगा तो आप उसको हमेशा रिकॉग्नाइज करो। किस फॉर्म में? जैसे आपने देखा होगा कि हम बनाते हैं
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व बनाते हैं और बहुत टाइप की चीज़ें बनाते हैं, हम अपना पैसे को ब्लॉक करते हैं ताकि हमें लगता है कि हो सकता है डेटर पैसे ना दे, तो हम उसके लिए प्रोविज़न बना के चल रहे हैं। लेकिन हम कभी ऐसा प्रोविज़न बनाते हैं क्या कि सेल दुगनी होने वाली है तो उसके लिए अलग से एक अमाउंट बुक कर ली कि हो सेल दुगनी होगी, बिना जब तक हो ना सेल मत करो। लेकिन अगर आपको लॉस होने वाला है तो अभी बुक करो, ठीक है, प्रॉफिट जब तक हो ही ना तब तक बुक मत करो, लेकिन लॉस होने वाला है तो उसे अभी बुक करो, ऐसे करके यहाँ पे लिख लो। मटेरियलिटी समझाने के लिए मुझे अगेन आपको थोड़ा सा, चलो यही समझाया था मटेरियलिटी क्या होता है। मटेरियलिटी के अंदर मैं दो कॉन्सेप्ट कवर कराऊंगा, एक तो ये खुद मटेरियलिटी और एक फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई रहती है। फुल डिस्क्लोजर, अच्छा मैं यहाँ देना भूल गया। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर ना एक एक चीज दिखाओ, एक एक चीज, चिड़िया का पंख से लेके शेर की टांग तक सब दिखाओ बैलेंस शीट के अंदर, फुल डिस्क्लोजर। और मटेरियलिटी कहता है कि आप सिर्फ उतना ही चीजें दिखाओ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि मटेरियल हैं, हर बातें नहीं। तो इन दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है। तो अगर आप कहो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि क्या इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है, फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी के बीच में? हाँ रहता है भाई, बिल्कुल रहता है। ओके, ऐसे करके आई होप कि ये बातें क्लियर हैं, क्योंकि ये जो फंडामेंटल अकाउंटिंग पोजीशन वाला है ना, ये इसके क्वेश्चन से क्लैरिटी दूंगा अच्छे से दबा के। ओके, ये बातें याद दिला दिला के बार बार। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बच्चे परेशान हैं, पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, पेपर में आएंगे नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि बच्चों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ नाम पढ़ने हैं। अब टोटल आपके 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है? अच्छा, मेरे पे विश्वास नहीं है तो सारे याद करके जाना, अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो पास्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से देख करके लगता है कि सिर्फ ये 10 इंपॉर्टेंट है, CPT वालों से सिर्फ ये 10 पूछते हैं, इससे ज़्यादा कि आपको लोगों को नाम याद नहीं होंगे। देखो ठीक है, तो ये 10 के 10 हैं, प्लीज़ इनको ऐसे ही याद करना, मेरे पास इसके लिए आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूँ ये। हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट बस एक ये है कि आपको ये वाला जो AS 10 है, अकाउंटिंग फॉर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जरा अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये अभी अभी चेंज हुआ है लास्ट अटेम्प्ट में, और जब इन्होंने नहीं पूछा था जून वाले अटेम्प्ट में, पॉसिबली दिसंबर अटेम्प्ट में आप लोगों से ज़रूर AS 10 में सिर्फ नाम पूछ डालेंगे कि इसका नाम क्या होता है, ये पूछ सकते हैं, और या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। सो बस इस चार्ट को आप जितना हो सके बार बार देखते रहें, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो और आपको अगेन काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ICAI इशू करता है, टोटल 29 है, और ये तीन बातें हैं। ये तीन बातें मैं सच बताऊँ तो ये रिविज़न में आपको समझाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत लंबा डिस्कस कर सकता हूँ। हालाँकि जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म है ये मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊँगा तब समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका होता है ये वाला चैप्टर भी ओवर, इसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की रिवीजन। ओके, चलो।